अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स का चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर, इसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, वेटेड इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। वेटेड इंडेक्स कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, लेस्पियर इंडेक्स जिसको हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स भी कहते हैं, और पैशेज इंडेक्स जिसको हम करंट ईयर वेटेड इंडेक्स कहते हैं, और फिर फिशर आइडियल इंडेक्स यानी जो कि लेस्पियर्स और पैशेज के आंसर का ज्योमेट्रिक मीन होता है। कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर, बुक का मैंने लिया। कैलकुलेट फॉलोइंग इंडेक्स नंबर यूजिंग या टेकिंग 2020 यानी 2020 एज बेस ईयर बाय यूजिंग लेस्पियर्स मेथड यानी जिसको हम कहते हैं बेस ईयर वेटेड इंडेक्स, और पैशेज इंडेक्स यानी करंट ईयर वेटेड इंडेक्स, और फिर फिशर्स आइडियल इंडेक्स। अब हमारे सामने दी हुए प्राइसेस दी हुई हैं, 2020 में प्राइस भी दी हुई है, क्वान्टिटी भी। चार कमोडिटीज़ हैं ए बी सी डी यानी चार आइटम्स दी हुई हैं, और ये 2020 में प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है, और 2023 में जो हमारा बेस ईयर होगा वो 2020 होगा। अगर ना भी दिया हो तो जो पहला साल होता है वो हमेशा हमारा जो वो होगा बेस ईयर कहलाता है, ठीक है, और जो बाद वाला साल होता है वो हमारा करंट ईयर होता है। तो जो बेस ईयर में प्राइस और क्वान्टिटी दी हुई है उसको हम पी नोट और क्यू नोट से डिनोट करेंगे, और जो करंट ईयर में प्राइस और क्वान्टिटी दी है इसको पी एन और क्यू एन से डिनोट करेंगे। बस ये हमें पहचाननी होती है, जब हमने पी एन पी नॉट क्यू एन और क्यू नॉट को आइडेंटिफाई कर लेना है, जस्ट अब हमने कॉलम बनाने और फार्मूला लिखना है, सवाल हो जाएगा कैसे। लेट्स सी, ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, आइटम्स को लिख लिया ए बी सी डी, फिर प्राइस जो है 2020 की जो बेस ईयर की प्राइस है उसको पी नॉट अलॉट कर देंगे, करंट ईयर की प्राइस को कहेंगे पी एन, करंट ईयर बेस ईयर की क्वान्टिटी को कहेंगे क्यू नॉट, और करंट ईयर की क्वान्टिटी को कहेंगे क्यू एन। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे वेटेड इंडेक्स का, पहले लेस्पियर्स का फार्मूला लिख लेते हैं। लेस्पियर्स इंडेक्स इज इक्वल टू पी ओ एन इज इक्वल टू समेशन पी एन क्यू नॉट ओवर समेशन पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100। फार्मूला बनाने का भी तरीका बता देता हूँ, ये देखिए पी एन ओवर पी नॉट क्या होता है, हमारा प्राइस रिलेटिव का फार्मूला होता है, पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100। तो वही प्राइस रिलेटिव के साथ जब हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्यू नॉट लगा देंगे, उनके साथ सम लगा देंगे, तो ये लेस्पियर्स का फार्मूला बन जाएगा। अब जैसे हमारे पास कॉलम बन गए, ये देखें जी, पहले हमें चाहिए पी एन क्यू नॉट, तो पी एन की वैल्यू है यहाँ पे 12 और क्यू नॉट की वैल्यू है यहाँ पे 15, तो 12 और 15 का प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 180 पी एन क्यू नॉट, ये 144 पी एन क्यू नॉट, पी एन था हमारे पास 12, क्यू नॉट था हमारे पास 12, तो देखें 12 मल्टीप्लाई बाई 12 आ गया 144, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 15 आ गया 75, फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 24 आ गया 216, और फिर 14 मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया 70। यानी क्या किया, पी एन और क्यू नॉट इन दोनों का प्रोडक्ट लिया था कि हमारे पास समेशन पी एन क्यू नॉट आ जाए, उसका सम ले लेंगे तो आ गया 505। अब नीचे हमने बनाना है पी नॉट क्यू नॉट, तो ये देखें, ये हमारा पी नॉट 10 और क्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास 12, तो 10 टाइम्स 12 करेंगे तो आ जाएगा 120, फिर 9 टाइम्स 15 किया तो आ गया 135, फिर 5 टाइम्स 24 किया तो आ गया 120, और फिर 10 टाइम्स 5 किया तो आ गया 50, उसका टोटल लगा लिया वो आ गया 425। अब देखें फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, समेशन पी एन क्यू नॉट की वैल्यू आ गई 505 डिवाइडेड बाय 425 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 118.8 आ गया। अब पैशेज का फार्मूला लिखते हैं, पहले पी वन इज इक्वल टू समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू एन ओवर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसमें क्या किया, वही प्राइस रिलेटिव पी एन और पी नॉट को अब हमने ऊपर नीचे दोनों को क्यू एन से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ सम लगा दिए, तो ये पैशेज का फार्मूला बन जाएगा। अब अगेन कॉलम हमारे पास है पी एन और ये है क्यू एन, यानी 12 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे तो आ जाएगा 180, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 20 किया तो आ गया 100, फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 20 किया तो आ गया 180, और फिर 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 किया तो आ गया 70। इस तरह समेशन पी एन क्यू एन का हमारे पास टोटल आ गया 530। इसी तरह हमने पी एन और क्यू नॉट का कॉलम बना लेना है। सॉरी, पी नॉट और क्यू एन का फार्मूला, तो ये देखें, ये है पी नॉट की वैल्यू और ये है क्यू एन, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो आ जाएगा 150, इसी तरह फिर आ गया 180, 100, 150, इसका टोटल लगा लिया ये आ गया 480। अब 530 डिवाइडेड बाय 480 मल्टीप्लाई 100 किया तो आ गया 110.4। अब जो फिशर्स आइडियल इंडेक्स है वो बहुत ही आसान है, इन दोनों के आंसर्स का ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे, यानी लेस्पियर्स
और पैसेज के जो आंसर्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट लेके उसका स्क्वायर रूट डालेंगे, या इन अदर वर्ड्स फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्पियर्स एंड पैसेज इंडेक्स। तो हम ऐसे निकालेंगे फिशर्स आइडियल इज इक्वल टू एल टाइम्स पी और उसका स्क्वायर रूट, यानी एल की वैल्यू थी हमारे पास 118.8 और पी की वैल्यू थी हमारे पास 110.4, दोनों का प्रोडक्ट लिया और उसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 114.5। तो ये था हमारे पास वेटेड इंडेक्स कि किस तरह से हमें अगर प्राइसेस और क्वांटिटी बेस ईयर और कंट्री की दी हो तो हम उसकी मदद से वेटेड इंडेक्स निकाल सकते हैं यूजिंग लेस्पियर्स पैशेस एंड फिशर्स आइडियल। अब लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड या इसको हाउस होल्ड मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि किसी एक फैमिली का आपको बजट दिया हुआ होगा। मिसाल के तौर पर एन इंक्वायरी ऑफ द बजट्स ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज इन अ सिटी ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड की एक सिटी में एक फैमिली का या डिफरेंट जो मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं उनका बजट दिया हुआ है। बजट क्या दिया हुआ है कि प्राइसेस इन 2020 और प्राइस इन 2023 बताई हुई है कि 2020 में फूड पे 35%, रेंट पे 15%, क्लोथिंग पे 20%, फ्यूल पे 10% और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 20% थे, जबकि प्राइसेस थी में 2020 में ये थी और 2023 में प्राइसेस कम हुई हैं, कहीं पे कम हुई हैं, कहीं पे ज़्यादा हुई हैं, कहीं पे सेम है। तो हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालनी है। तो बहुत आसान है, ये जो हमारे परसेंटेज दी हुई है ये हमारे वेट्स होंगे और यहाँ पे हम इसका जो प्राइस रिलेटिव है वो निकाल लेंगे, यानी 2020 को बेस ईयर बनाएंगे। तो पहला निकलेगा 145/150 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर करंट ईयर हो जाएगा 30/30 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर 65/75 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर 23/25 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर 45/40 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ से हमारा इंडेक्स आ जाएगा उसका, यानी आई की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे वेट्स दिए हुए 35%, 15%, यानी 0.35 हो जाएगा या 35 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा 20, और फिर उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। कैसे देखो, एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है आइटम्स के ऊपर, फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल, मिसलेनियस एंड यहाँ नीचे आएगा टोटल। वेट्स हमें दिए हुए 35% यानी 35, फिर 15% को लिखेंगे 15, 20, 10 और 20, फिर प्राइस जो करंट ईयर की प्राइस थी यानी वो पी एन हो जाएगी और जो बेस ईयर की प्राइस थी वो पी नॉट हो जाएगी। तो पी नॉट हमारे पास था बेस ईयर में 150, 30, 75, 25 और 40, फिर करंट ईयर की प्राइस थी 145, 30, 65, 23 एंड 40, 45। अब हमने क्या निकालना है, पहले इसका इंडेक्स नंबर निकाल लेना है, फार्मूला प्राइस रिलेटिव का पी एन और पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी देखें 145/150/100 तो 97, फिर 30/30 × 100, फिर 65/75 = 87 आ जाएगा, 23/25 × 100 = 92, फिर 45/40 × 100 = 113। और अब हमने क्या करना है, वेट्स हमारे पास दिए हैं, W I हमने निकाल लिया, अब इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी 97/35 आंसर आ गया 3395, फिर 100/15, 1500, फिर 87/20, 1740, फिर 92/10, 920 और लास्ट 113/20, तो ये आ गया 2260। इसका टोटल लगा लें, आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। फैमिली बजट मेथड इज इक्वल टू समेशन आई इंटू डब्ल्यू और समेशन W, तो आई इंटू W का टोटल हमारे पास आया 9815 और समेशन W ये आया था हमारे पास 100 को डिवाइड करते हैं, आंसर आ गया 98.15। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है या इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो अगर हम सपोज करें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग 100 थी तो अब कितनी हो गई 98.15, इट मींस दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन 2020 हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 1.85% एज कम्पेयर टू 2020। यानी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग 2020 में 100 थी वो 2023 में 98.15 हो गई है। तो 100 में से 98.15 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.85। इट मींस दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन 2023 हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 1.85% एज कम्पेयर टू 2020 इन 2023। तो ये था फैमिली बजट मेथड जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर आने वाली चेंज को मेजर करने का तरीका सीखा। तो ये था हमारा इंडेक्स नंबर का आखिरी लेक्चर जिसमें हमने वेटेड इंडेक्स लेस्पियर्स पैशेस और फिशर आइडियल इंडेक्स कैलकुलेट करना देखा और फैमिली बजट मेथड को समझा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
तो काइंडली इसको शेयर भी करें और